गाइस मैं हूं शरीफ गेमर और आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने डेंसिटी मोड में, और पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ कलेक्ट की थी, जैसे कि क्या बोलते हैं, हमने एक विलेज ढूंढा था। विलेज में ढूंढ के हम लोग गए, थोड़े बहुत बड़े बड़े चीज़ देखे थे, और फिर हमने फार्म से क्या थोड़े बहुत फूड इकट्ठा किया था। फिर हम लोग फॉरेस्ट गए, फॉरेस्ट में जाकर कई सारे वुडन लॉग और यही सारे सामान हमने कलेक्ट किया था। आज हम लोग ये जितने भी पुराने वीडियो के सामान थे सबको हम चेस्ट में रखेंगे, कि जितने भी सामान थे हमको साथ में लेके नहीं घूम सकते, और हमको जितनी पुरानी चीज़ थी इसको गलती था वे चेस्ट में रखेंगे, ताकि नेक्स्ट एक चीज़ इकट्ठा कर सके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके ये सिटी को। तो पहले जितने भी सामान है सबको अलग अलग रख देते हैं। पहले रोजबो को जिसका कुछ काम नहीं, स्टिक को भी रख देते हैं, और ये फ्लावर को भी, स्वॉर्ड को, स्वॉर्ड वैसे काम आएगा लेकिन एक ठोक है मेरे पास, तो अब कॉबल स्टोन को रहन देता हूँ, और क्या बोलते बैट को रख और स्टूडेंट फ्लॉश को रख देता हूँ, और क्या बोलते सेब को रख लेता है, एप्पल को, और फ्लावर लोग को भी रख लेता हूँ। तो इतने सारे सामान को पहले इधर पे रख देते हैं, और एक काम करते हैं हम लोग पहले थोड़ा सा कॉबल स्टोन का फर्नेस बना लेते, ताकि जो पोटैटो है इसको कल रोस्ट कर सके, फ्राई कर सके। तो फिर सबसे पहले जाते हैं फर्नेस। वैसे मेरे को रेसिपी तो याद नहीं है इसकी, इसलिए फर्नेस सर्च करते डायरेक्ट ये आ गया। फर्नेस को इधर पे रखते हैं, इसमें पोटैटो रखते हैं, और हमारे पास कोल तो है नहीं फ्यूल के लिए, तो अपन एक काम करते हैं लॉक रखते हैं, प्लैंक्स लगते हैं, तो प्लैंक्स लग के हम क्या करते हैं इसको रोस्ट कर सकते, बेक्ड कर सकते। तो अभी हम लोग ये जब तक हो रहा है तब तक थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कई सारे काऊ है, लेकिन काऊ में वैसे शरीर बड़ा है, इन लोग का मुँह तो उतना ही छोटा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे कोल है, अब कोल को भी थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं अपने स्टोन पिकेक्स से, ताकि इस कोल को फ्यूल के रूप में अपने फर्नेस में यूज़ कर सके और टॉर्च भी बना सके कई सारे, ताकि अगर हम अगर माइनिंग में जाए तो माइनिंग में जाके कल टॉर्च के कारण यूज टॉर्च के तरह यूज़ कर सके कोल को। तो फटाफट इस सबको तोड़ लेते हैं ताकि काम आ गए चल के। जल्दी जल्दी टूटता है ये, कितने सारे इधर पे। और इसके बाद आज हम लोग माइनिंग भी जाएंगे और बहुत सारी माइनिंग चीज़ें भी करेंगे। आज हम लोग कल थे आयरन भी ढूंढेंगे, और आयरन का पूरा फुल आर्मर बना लेंगे, आज हमारा वही टास्क है। तो फटाफट क्या बोलते हैं इसको तोड़ लेते हैं अपन कोल को। कोल को तोड़ने के बाद हमें क्या बोलते हैं जितना भी कोल टूट जाएगा उसके बाद हम लोग माइनिंग में जाएंगे और बहुत सारा सामान इकट्ठा करेंगे। तो जितने कोल से आता है मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, लेकिन अब थोड़े बहुत ही बचे तो इसको भी तोड़ ही लेते हैं। ये बस ऊपर ऊपर के बचे कोल, बाकी तो पूरे टूट ही गया। तो कोल भी पूरे टूट गए, एक ठो बचा ही है। हाँ तो कोल भी टूट गए पूरे, अभी पूरे कोल को इकट्ठा करके हम लोग चलते अपने घर में। ये अंडरग्राउंड, अरे 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 चलो, अरे ये क्या हुआ, मैं तो उसको देखा भी नहीं था उसकी तरफ, मैं तो बस थोड़ा सा देखा तुरंत इधर कर लिया, ये मारा कैसे। चलो छोड़ो एंडरमैन को, छोड़ पहले अपना सामान इकट्ठे कर लेता हूँ, ताकि जितना भी क्लेट किए थे वो डिस्पॉन हो जाए, वरना डिस्पॉन हो जाएगा तो हमको वापस से सब इकट्ठा करना पड़ेगा। फटाफट अपना सामान ले लेते हैं, ये हड्डी कहाँ से आया वैसे। चलो छोड़ो, अपना कॉबल स्टोन वहाँ पर पड़ा है, कॉबल स्टोन को लेते हैं, और ऊपर में थोड़े बहुत सामान पड़े हैं उसको भी ले लेते हैं। कॉबल स्टोन से सामान लेने के बाद अपन थोड़ा कोल में यूज़ करेंगे, और इस बार एंडरमैन को नहीं देखूँगा वरना फिर से उम्मीद को मार देगा। तो फटाक से हम लोग चलते हैं फर्नेस के पास, पहले गेट बंद करते हैं, अब इधर से प्लैंक से हटा के क्या बोलते हैं कोल को डालते हैं। तो तेरे कुकड हो चुके हैं, अब एक काम करते हैं ये कोल थोड़ा सा निकाले ताकि हम लोग टॉर्च बना सके। तो अब सीधा क्राफ्टिंग टेबल में जाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग थोड़े बहुत टॉर्च बना लेते हैं। तो टॉर्च बनाने के लिए पहले थोड़ा स्टिक चाहिए, स्टिक हमारे पास है, अब टॉर्च बना देते हैं फटाफट। तो टॉर्च बनने के बाद ये इसमें 15 हो गए हैं, 15 फूड इसको इसमें ही रहने देते हैं, और चलते हैं अब वापस से थोड़े और टॉर्च बनाने। टॉर्च बनाने के बाद अब अपन थोड़े और स्टिक की कमी पड़ गई है, तो स्टिक बनाने के बाद अब टॉर्च फूल्स बना देते हैं। टॉर्च बन गया, अब 24 टॉर्च बहुत है हमारे माइनिंग में जाने के लिए। तो माइनिंग के लिए हमारे पास अब सब सामान इकट्ठा हो गया, हमारे पास एक दो पिकेक्स है, एक वुडन और एक स्टोन, और हमारे पास एक वुडन एक्स है, एक वुडन स्वॉर्ड है, एक स्टोन स्वॉर्ड है। तो हमारे पास इतने सामान है कि हम कहते हैं वहाँ पर जाके आराम से सर्वाइव कर सके माइनिंग में 2-3 दिन। तो फटाक से चलते हैं। वैसे वो जो एंटरप्राइन तो कितना अजीब टाइप का दिख रहा था ना, कहीं बहुत बड़ा था वो, भले जायंट सिटी है लेकिन जायंट सिटी में भी बहुत बड़े बड़े, जैसे कि उसको गोलेम को देखो कहाँ चक के बैठा है वो। ये देखो एक तो वो भी है पीक, इधर पे एक पीक, ये देखो इधर भी एक केव है, लेकिन ये केव भी नहीं जाते, थोड़ा और देखते पहले पीक को मार लेते। इसमें क्या बोलते क्या बोलते, अरे पड़ा, अरे इसको पढ़ क्यों नहीं रहा, अरे क्या ग्लिच है, हाँ पड़ा। चलो इससे थोड़ा सामान मिल गया,
अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे एक तो केव है, इसमें चल के देखते हैं, क्या पता इधर भी कुछ सामान मिल जाए। थोड़ा नीचे चलते हैं बोलो, इधर पे तो बहुत अंधेरा है, तो पहले थोड़ा इधर पर एक टॉर्च लगाते हैं ताकि थोड़ा रोशनी दिखे और थोड़े बंदे लोग को देख पाए, क्या पता सामने से मॉब आ गया कोई, इसलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। वैसे बहुत पतली है केव, मेरे को लगता है इधर भी कुछ मिलेगा, लेकिन चल भी चलते हैं, वहाँ पर रोशनी क्यों इतना। थोड़ा और आगे चलते हैं, इधर पे तो कुछ नहीं है, वैसे नीचे जाने का एरिया है देखो वहाँ पे, तो वहाँ पे रिबन टॉर्च लगा के अपने टॉर्च लगाते आ चले, ताकि हमको याद रहे हम लोग कहाँ से आए थे। तो यहाँ पे आयरन है थोड़े बहुत, अभी आयरन कलेक्ट करते हैं ताकि इससे हम लोग आयरन कई सामान बना सके। पहले तो मैं एक आयरन पिकेक्स बनाऊंगा ताकि हमको डायमंड इकट्ठा करने, क्योंकि डायमंड को तोड़ना है तो उसके लिए चलते आयरन पिकेक्स ही चाहिए। आयरन पिकेक्स से ही टूटता है क्योंकि डायमंड और नेदर एक्स से टूटता है, दो ही चीज़ से टूटता है। तो ये आयरन तोड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पहले इधर टॉर्च लगाते हैं। हाँ इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, एक सेकंड जगह ही नहीं इधर पे, तो इधर पे और आयरन है, इसको भी तोड़ते फटाफट से। यहाँ पे एक ही है क्या, ये एक ही है, चलो छोड़ो अब आगे चलते हैं। वाह इधर पे तो बहुत बड़ा जगह ही है, यहाँ पे जॉम्बी देखो कितने बड़े बड़े वो, और थोड़ा पानी भी इधर पर बहुत गहरा है लगता है, बहुत बड़ा केव। अच्छा हम लोग के विलेज के पास बहुत बड़ा केव मिल गया हमको, तो इधर भी टॉर्च लगाते फटाफट और चलते नीचे चलते, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत आयरन का सामान बनाए ताकि हम लोग उसको आराम से मार सके। तो हम लोग के पास अभी वैसे आयरन तो इकट्ठा ही हो गया, तो अब आयरन के लिए पहले उसको मेल्ट करने के लिए पहले अपन को फर्ज बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग काफ़ी टेबल यहाँ पर रखते हैं, एक सेकंड पहले काफ़ी टेबल को निकाल लेता हूँ। हाँ तो काफ़ी टेबल को इधर पर रखते हैं और ये टॉर्च कर सकें। हाँ काफ़ी टेबल को रख के इससे बनाते हैं पहले फर्नेस, ताकि हम कहते आयरन को आयरन और से उसको आयरन लगे आयरन बना सके। और इसको पहले इधर पर रखते हैं, और ये आयरन रॉ मटेरियल रॉ आयरन है, अभी रॉ आयरन से हम इसको बनाएंगे आयरन। तो ये जब तक कहते वो हो रहा है आयरन और बन रहा है, तब तो हम कुछ घुमाए पे देख लेते क्या पता मिल जाए, और वो केव को भी देखते क्या पता उधर और दूसरी कुछ हमको मिल जाए डायमंड। वैसे हमारे पास आयरन इंगट बहुत सारे हैं, तो चार आयरन इंगट है हमारे पास, ये दो टोक और हो जाएगा, तो हम वैसे एक पिकेक्स बना सकते, तो फटाफट से एक पिकेक्स बनाते हैं। यहाँ पे तीन आयरन की ज़रूरत थी, तीन से एक पिकेक्स बन गया, अब हमारे पास दो आयरन बचे, तो फटाफट से ये दोनों को उठाते और एक स्वाड़ी बना लेते ताकि हम मॉब्स को मार सके। तो मॉब्स को मार लेते फटाफट मोमोस, तो अब मॉब्स को मारने के लिए हमें बस स्वॉर्ड बना सकते हैं आयरन और का, ताकि पहले से काम करते फर्नेस को तोड़ लेते ताकि हम सो ये पे छोड़ नहीं सकते ना, तो अपन लेके जाएंगे इसे, ताकि अगर हमारे पास और कुछ बनता है तो उससे भी बनाते। तो यहाँ पे हमारे पास एक आयरन स्वॉर्ड बन चुकी है, अब हम कहते मॉब्स लड़ सकते, तो फटाफट पहले इसको तोड़ लेते हैं। वैसे पी एस बहुत लेट टूटते, तो अपने काम करते एक्स निकालते अपने वुड स्टोन एक्स और स्टोन एक्स से इसको तोड़ लेते। तो फटाफट तोड़ के अब चलते हैं नीचे, लेकिन पहले उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो इधर से हम लोग खोलने स्टिकिंग स्टार्ट करते हैं, इधर पे एक सेकंड ऐसे नहीं करते वरना मैं नीचे गिर जाता हूँ, देखो अभी मैं नीचे गिर जाता अगर मैं कल तो वैसे खोता था। तो अपन पहले देखेंगे कि उधर नीचे है जगह है कि नहीं, फिर हम नीचे उतरेंगे। तो पहले इधर भी खोदते हैं, इधर पे है अब, इधर पे एक सेकंड पहले ऊपर चल लेता हूँ, वापस वैसे गलती कर रहा था, तो फटाक से तोड़ते इधर पर जगह है, तो इधर पर हम नीचे जाते, तो अब नीचे कूदते हैं हम लोग इधर से एक सेकेंड। हाँ तो हम नीचे कूदने के बाद हम चलते फटाक से आगे के वॉल भी तोड़ते ताकि हम उस साइड चल सके। तो इधर पे थोड़ा सा कॉबल स्टोन होगा हमारे पास, तो कॉबल स्टोन भी लगाते ताकि हम इधर पे जा सकें। तो कॉबल स्टोन ये रहा मेरे पास, और ट्रेन लगा सकते हैं, कॉबल स्टोन हमारे पास बहुत सारा है, तो उसको लगाते इधर पे, तो कॉबल स्टोन को इधर पे लगाते फटाफट, दो कॉबल स्टोन लग गए बस काफ़ी था, इसको तोड़ लेते एक सेकेंड पिकेक्स का मेरी। हाँ तो स्टोन पिकेक्स से कॉबल स्टोन को तोड़ते हैं और अब आगे चलते हैं। मैं एकदम बैठ बैठ के चलूँगा ताकि क्या बोलते गिरूँ ना, गिरने का इसमें बॉर्डर है, तो अब आराम से हम जा सकते हैं किधर पे अच्छे से। और तो इधर फटाक से पहले टॉर्च लगा दे ताकि थोड़ी रोशनी हो, और ये तो बहुत बड़ा झरना टाइप का इधर से बह रहा है, तो इस झरने को पहले रोकना पड़ेगा वरना हम लोग भी इसके साथ बह के नीचे चल देंगे, जो कि हम लोग को नहीं जाना है नीचे। तो फटाफट अपन नीचे चलते करके अब आ चुका ये केव में, इधर पे बहुत सारे आयरन है, तो ये आयरन और रॉ आयरन को भी तोड़ लेते फटाफट। तो फटाक से अपना कल तो पीकेस निकालते हैं और इसको तोड़ने स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे एक है और नीचे में एक और आयरन हो रहा है, इधर पे तो बहुत सारे आयरन हो रहे हैं, तो फटाफट ये आयरन रॉ आयरन को तोड़ लेते हैं। ये एक रॉ आयरन, ये और है, और यहाँ पे और एक और है, ये और है। हाँ बस काफ़ी इतने, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल गया। तो ये केव तो बहुत बड़ी है, देख सकते बहुत नीचे तक जाना है इसमें, और यहाँ पे कई सारे कोल भी है, तो कोल को भी थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्या पता अभी टॉर्च ख़त्म हो जाए तो इसको टॉर्च बनाने के काम आ जाए, क्योंकि हमारे ज़्यादा बस टॉर्च नहीं है।
बस इधर ऊपर में भी और खेलते हैं तो नीचे ना गिरे, इसलिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा कॉबल स्टोन का डेरा बनाया था कि जितना भी हम आयरन को तोड़े वो नीचे ना जाए, सीधा हमारे पास है। तो फटाफट से आयरन को तोड़ लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही आयरन थे, इतना मेहनत करने को वेस्ट हो पूरा। तो फटाफट से अब आयरन तोड़ लिया, वापस चलते हैं अपनी जगह में। और अब हम चलते हैं नीचे, थोड़ा अपना स्वॉर्ड निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि अब पिकेक्स की ज़रूरत नहीं है। तो स्वॉर्ड निकाल के जैसे पहले क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं ताकि हम क्राफ्टिंग टेबल इधर पर रखते हैं, और फटाक्स से इधर से हम लोग एक टूल बनाते हैं। आयरन तो हमारे पास बहुत है, तो अपन पहले बनाते हैं एक शील्ड, ताकि अगर नीचे जाए तो मॉब हमको ना मार पाए, और मॉब हम शील्ड से हम मॉब से अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो एक शील्ड बन गया तो डर नहीं है। वैसे शील्ड में दिक्कत है कि ना, इसके कारण सामने को बहुत कम दिखता है, तो शील्ड को अच्छे से लगाना, मतलब जब मॉब है तभी लगाएंगे। अभी क्या चलते लगा के रखते, थोड़ा पहले नीचे चलते थोड़ी। तो वैसे लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं एक्स शॉर्ट से ज़्यादा एक्स क्या बोलते पावरफुल रहता है, तो लेकिन हम अभी कहते स्वॉर्ड को ही प्रेफर करेंगे पहले। तो फटाक से अब पहले कहते शील्ड को रख देते हैं निकाल के, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, दिखता ही नहीं सामने को, तो मैं अगर नीचे देख ही नहीं पाऊँगा तो फिर मैं तो गिर जाऊँगा ना, इसलिए शील्ड को नहीं निकाल लेते और नीचे चलते सबसे पहले। जब भी टॉर्च लगाते थोड़े और नीचे चलते, वैसे हम पहुँच गए नीचे, हमको पानी की ज़रूरत नहीं, तो इतना नीचे तो पहुँच गए। वैसे भी हमारे पास आयरन बहुत है, अभी इतने आयरन का हम आराम से क्या अपने सोप शील्ड बना सकते, आर्मर बना सकते, फुल आर्मर। तो फुल आर्मर तो इसमें बन ही जाएगा हमारा, तो फुल आर्मर बनने का हमारा चैलेंज भी कंप्लीट होने हो गया। वैसे नहीं, थोड़ा और एक्सप्लोर करें ताकि क्या पता हमको यहाँ पे डायमंड मिल जाए, और डायमंड मिलेगा तो और अच्छी बात है, उसका एक डायमंड पिकेस बन जाएगा हमारा। तो फटाफट थोड़ा और नीचे देखते हैं। वैसे वो बहुत गहरा केव है, देख सकते हो उधर कितने गहरे केव है, और वहाँ पे देख सकते हो फैंटम भी घूम रहे हैं नीचे में, देख रहे हो उधर भी इतने बड़े बड़े फैंटम है। ये जाइंट सिटी है तो इधर भी फैंटम भी कई जाइंट है। तो इधर पे अब यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन पड़े, इसको भी तोड़ के अब हम घर चलते हैं, क्योंकि आयरन आर्मर बनाना था, आयरन आर्मर बनाने जितना हमारे पास सामान है। तो थोड़ा और देखते हैं अभी इधर पे, क्योंकि गलती हमको लैपिस लाज़ुली पूछी कि लैपिस लाज़ुली तो ब्लू टाइप का रहता है, लेकिन उससे क्या हुआ तो वो तो नहीं पता, शायद तो वो एन्चेंटमेंट में काम आता है। लेकिन अभी हम ऊपर चलते थोड़ा इधर पे देखते हैं, क्या पता और आयरन मिल जाए। उससे पहले जितने भी अभी टोटल 25 आयरन रॉ आयरन है, तो 25 रॉ आयरन को थोड़े इधर मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। इधर पे फर्नेस रखते हैं, इधर पे अपन क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, और क्राफ्टिंग टेबल को इधर पे इसके बाजू में रखते हैं, और इधर पे अपने 25 रॉ आयरन को रखते हैं, और अपने पास कोल के रूप में फ्यूल के रूप में ये है, तो अपन कोल डालेंगे। अब इधर पे कोल तो मिलेंगे, क्योंकि जितने भी कोल थे सब ऊपर थे, तो अब कोल का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, हमारा चैलेंज था कि हमको आयरन और का गलत सामान बनाना था, जो कि हमारे बना चुके हैं, हमारे पास 25 रॉ आयरन भी पड़े हुए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हम मिलते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।